बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जियाउद्दीन है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पर लेटेड अस्पताल पेशावर में काम कर रहा हूँ। आजकल हमारे मुल्क में एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90% आवाम में वाइटामिन डी की कमी पैदा हो जा वाकई हो गई है, जिसको हम कहते हैं वाइटामिन डी की डेफिशेंसी। वाइटामिन डी हमारी हड्डियों की रोशनुमा के लिए तहत अहम किरदार अदा करता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के बच्चों तक इसका एक अहम रोल है, इसका अपना किरदार है। वाइटामिन डी की कमी की वजह से जिसम में हड्डियाँ दर्द करना शुरू कर देती हैं, कमज़ोरी वाकई महसूस होना शुरू हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर और बुरी हो जाती हैं जी। आमतौर पर हमारी खुराक एक बैलेंस्ड डाइट में वाइटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। वो खुराक जिसमें के वाइटामिन डी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है उसमें आमतौर पर मक्खन, पनीर, दूध और मछली का गोश्त शामिल हैं जी। वाइटामिन डी का इसके अलावा एक अहम सोर्स है वो सूरज की तवानाई है और हम दो टाइम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को सपैर को 4 से 6 बजे तक अगर धूप में बैठें तो हमारी हड्डियों में ये वाइटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। इसके अलावा हमारी कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है जिसमें कि सनी ड्यू का किरदार बहुत अहम है, जो कि वाइटामिन डी थ्री का एक अहम और बुनियादी सोर्स है और इसके रेगुलर इस्तेमाल से जिस्म के अंदर वाइटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।